हिंद महासागर में मौजूद मन्नार की खाड़ी में श्रीलंका की ओर से चीन के जहाज़ों को शोध की इजाज़त देने से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक जासूसी करने वाले चीनी जहाज़ों का बार बार श्रीलंका आना एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह न सिर्फ दक्षिणी हिस्से में भारत की मौजूदगी का पता लगा रहा है, बल्कि मन्नार की खाड़ी में खनिज और जैविक संपदा के बारे में भी जानकारी जुटा रहा है। दक्षिण भारत से उत्तर पश्चिम श्रीलंका तक फैली मन्नार की खाड़ी में 260 अरब डॉलर के तेल और गैस भंडार हैं। यहां साल 2011 में पहली बार प्राकृतिक गैस के भंडार होने का पता चला था, मगर श्रीलंका ने अभी तक इनका दोहन नहीं किया है। इस भंडार से अगले 60 साल तक श्रीलंका की ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी में तीन अलग तरह के इकोसिस्टम हैं, कोरल रीफ, समुद्री घास और मैग्रोव। इस इलाके को समुद्री जैव विविधता के मामले में सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर 4,223 किस्म के पौधे और जीव हैं। पिछले हफ्ते श्रीलंका ने कहा था कि उसने चीन के जहाज को पश्चिम तट पर उसकी निगरानी में 48 घंटों तक समुद्री शोध करने की इजाज़त दी थी, जबकि भारत ने पहले ही आशंका जताई थी कि यह जासूसी करने वाला जहाज हो सकता है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कपिला फोनेस्का ने कहा था कि 25 अक्टूबर से कोलंबो में मौजूद चीनी शिप यान 6 नाम की चीनी रिजर्व शिप को दो दिन तक काम करने दिया गया। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और श्रीलंका पर बढ़ते उसके प्रभाव से भारत चिंतित रहता है। चीन की रणनीति पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों के हवाले से अखबार लिखता है कि श्रीलंकाई समुद्री सीमा में चीन के जासूसी वाले जहाज़ों की गतिविधियां बढ़ने और श्रीलंका के दबाव में आकर झुकने के पीछे कर्ज का खेल है। अन्य देशों से सीधे लिए गए कर्ज में से 53% श्रीलंका ने अकेले चीन से लिया है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और श्रीलंका पर बढ़ते उसके प्रभाव से भारत चिंतित रहता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का इस्तेमाल चीन अपने युद्धपोतों और अन्य जहाज़ों में ईंधन भरने के लिए करता है, अखबार लिखता है। ऐसे में भारत का चिंतित होना लाजमी है। हालांकि श्रीलंका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि भारत के रणनीतिक हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।